हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पे। एस्पिरेंट्स शेयर योर नॉलेज। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंडिया के डैम्स ऑफ इंडिया, इंडिया में बनाए हुए बांध। अब आप में से कई लोगों ने मेरे को कहा कि लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसका एक तो पूरा वीडियो डाल दूंगा और एक सेगमेंट वाइज वीडियो डाल दूंगा जिसमें दो तीन स्टेट्स को के डैम्स कवर किए जाएंगे। इससे होगा क्या, आपका 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा, आप आराम से देख पाएंगे, और जिसको पूरा वीडियो देखना है वो पूरा वीडियो एक शॉट में भी अवेलेबल रहेगा। इसको मैं पूरा प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप उससे आराम से देख सकते हैं। अब आपको खुद को मालूम होगा कि डैम्स ऑफ इंडिया कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम, क्योंकि डैम्स को आपको याद ही करना पड़ता है, आप ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको समझ पाए, तो यहां पर हम ट्रिक्स यूज करेंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स लगाएंगे। आप उन ट्रिक्स को अगर एक या दो बार बोलेंगे तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि शायद आप अपनी पूरी जिंदगी में उन डैम्स के नेम, उनकी स्टेट और क्या लोकेशन है वो भूल नहीं पाएंगे। पर आपको पूरा देखना पड़ेगा और ट्रिक्स को थोड़ा सा एक दो बार याद करना पड़ेगा, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने आप समझ जाएंगे। अब इस ट्रिक्स के लिए हुआ क्या है कि थोड़ी सी कुछ फोटो इन्वॉल्व करनी पड़ी हैं, कुछ कहानियां बनानी पड़ी हैं। उम्मीद करता हूं कि किसी की भावनाएं इससे दुखी नहीं होंगी, क्योंकि ये सब सिखाने के पर्पस से किया गया है, किसी का मजाक उड़ाने के पर्पस से नहीं किया गया है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं डैम्स ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जो अब दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है। पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है तिब्बत। इसके इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर आया, ये पुराना जम्मू एंड कश्मीर का मैप का पार्ट है, पर अब ये मैंने आपको बोला कि दो यूनियन टेरिटरीज में ब्रेक हो चुका है। इसमें जो आपके डैम आते हैं वो ये डैम आते हैं, बेसिकली दो मेन रिवर्स जो जम्मू कश्मीर से फ्लो करती है, वैसे इंडस भी फ्लो करती है, पर जिनमें डैम्स बने हुए हैं वो है चेनाब और झेलम। तो चेनाब नदी पे जो आपका डैम बना हुआ है वो बना हुआ है उरी डैम, चेनाब पे बना हुआ है उरी। उसके बाद झेलम पे तीन डैम हैं, उनका नाम है बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। अब इसको याद करने की आपकी क्या ट्रिक हो सकती है? तो बड़ा आसान है, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा में एक अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद हमने एक उरी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, उरी, बहुत अच्छी मूवी थी, हिट हुई थी। तो हमारा उरी डैम याद करने का तरीका है उरी मूवी। तो उरी में हमने क्या किया था, उरी में हमने पाकिस्तान को, टेररिस्ट को झेलाया था। तो आपका उरी कहां पर हो गया, उरी में टेररिस्ट को झेलाया, उरी झेलम के किनारे हो गया। और उसके बाद जो टेररिस्ट थे उन्होंने क्या किया, तो आपने एक मूवी देखी होगी जिसका बहुत फेमस गाना था, भाग बॉस डी के। इससे आप याद कर सकते हैं बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। अब मैं बताता हूं कैसे, आपको सबसे पहले उरी में टेररिस्ट को झेलाया, झेलाया से झेलम, उरी में झेलाया झेलम, और टेररिस्ट ने कौन सा गाना गाया, बॉस डी के। तो ये हो गया आपका बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। ये देखिए मैंने इसको यहां पे रेड किया हुआ है, इस बॉस डीके को। तो आपको केवल अगर आप इसमें बॉस और
डी याद रखें तो आपको बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती याद हो जाएगा। तो बड़ी आसान सी ट्रिक है कि उरी में टेररिस्ट को झिलाया, उरी डैम झेलम नदी पे, और टेररिस्ट ने भागते हुए गाना कौन सा गाया, बॉस डी के, बी से बगलिहार, एस से सलाल और डी से दुलहस्ती डैम। जम्मू कश्मीर के डैम हो गए कवर। अब बढ़ते हैं अगली स्टेट की ओर। अगली स्टेट आती है आपकी पंजाब। तो हम ये देखते हैं, ये आया आपका पंजाब। अभी तक जम्मू कश्मीर आया था, अब हम एक एक करके स्टेट जोड़ते जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, जैसे हम मैप में भी बढ़े थे, लैंग्वेजेस में भी बढ़े थे। अब पंजाब में दो डैम्स हैं जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। पहला है रणजीत सागर डैम, जिसको हम थीन डैम भी कहते हैं, और ये रावी नदी पे बना हुआ है। दूसरा डैम है नांगल डैम, जो सतलज नदी पर बना हुआ है। अब कई लोग भाखड़ा और नांगल डैम को एक ही डैम समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये लगभग 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और जो आपका भाखड़ा डैम है वो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नांगल डैम कहां पर है, ये पंजाब का हिस्सा है। तो इसको याद करने की ट्रिक के लिए याद रखना कि सतलज में, अब मैं जहां पर भी सतलज बोलूंगा इसमें सत को यूज करूंगा, सत यानी पंजाबी में सत को कहते हैं सच, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक पे आ जाते हैं, इन दो डैम्स को कैसे फटाफट याद करें। इस करेक्टर को आप जानते ही होंगे, हिंदी मूवी का करेक्टर है रंजीत, और इसके साथ एक ये मोटा सा बेटा बैठा हुआ है, लड़का बैठा हुआ है, जिसका नाम है रवि, ठीक है। तो चलिए पहले पूरी ट्रिक ले आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। ये आ गया, तो कहानी ऐसे याद कीजिएगा कि रंजीत का एक दोस्त था रवि। तो रंजीत सागर डैम कहां पर है, रावी नदी पे। रंजीत सागर डैम कहां पर है, रावी नदी पे। और इसने देखा, रंजीत था बदमाश आदमी, आपने देखा होगा मूवी में हमेशा विलन का करेक्टर करता था, तो वो भी उसके साथ खा पीकर थीन नहीं रहा, थीन यानी पतला नहीं रहा, मोटा हो गया। देख रहे हो क्या कि कितना मोटा है। तो रंजीत सागर या फिर थीन डैम, ये कौन सी रिवर के किनारे है, रवि के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। अब दूसरा डैम, जब वो खा पीकर थीन नहीं रहा, अब रंजीत के साथ रहेगा तो चोर ही बनेगा, चोर बन गया, और पुलिस ने क्या किया, उसको नंगा करके सच बुलवाया। तो नंगा से आप याद कर सकते हो नांगल डैम, NANGAL, नंगा से याद रख सकते हो नांगल डैम। और सच मैंने आपको बोला था सत, सत बुलवाया, तो नंगा करके सत बुलवाया, नांगल डैम, सतलज रिवर। रवि का दोस्त जो थीन नहीं है, वो रंजीत का दोस्त कौन है, रवि, जो थीन नहीं है, मोटा है, आप फिगर से मेकआउट कर सकते हो। तो रंजीत का दोस्त रवि, जो थीन नहीं है, ठीक है। इसने चोरी चकारी की, गुंडा बन गया, बदमाश बन गया, और पुलिस ने नंगा किया और सत यानी कि सच बुलवाया। तो दो स्टेट के डैम्स बड़ी आसानी से याद हो सकते हैं, ट्रिक लिखी हुई है, एक दो बार पढ़ोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगी। रंजीत का दोस्त रवि था, जो खा पीकर थीन नहीं रहा, रंजीत सागर थीन और रावी नदी, और उसको नंगा करके सच बुलवाया, नांगल सतलज पे। फिर से बोल रहा हूं, भाखड़ा डैम अलग है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, अराउंड 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अभी आ जाएगा। अब आता है हिमाचल प्रदेश, तीसरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश। तो जो मैं शॉर्ट सीरीज बनाऊंगा इसमें केवल तीन ही लूंगा, यहां पे कट कर दूंगा, फिर अगली सीरीज बना दूंगा, और एक पूरा लॉन्ग आपको अलग से मिल जाएगा। ये आया आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू हो गया आपका, पंजाब हो गया आपका, और ये तीसरा स्टेट, ये वाला जो स्टेट है आपका, ये वाला स्टेट जो है आपका, ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है आपका।
ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में कौन से डैम है, तो तीन इंपॉर्टेंट डैम पड़ते हैं। पहला है नाप्ता झाकरी डैम, जिसे हम गोविंद सागर भी कहते हैं, ये सतलज नदी के किनारे है। भाखड़ा डैम, ये भी सतलज नदी पे है। और तीसरा पौंग डैम, ये ब्यास नदी पे है। पौंग डैम कहां पर है, ब्यास नदी पे है। अब इन तीन डैम्स को याद करने की ट्रिक, ये आप देख रहे हो कौन है, ये हमारे सिखों के गुरु या हमारे भी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। तो हमने ट्रिक यहीं से बनाई है। उम्मीद करता हूं ट्रिक ऐसी नहीं होगी जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। अब पूरी ट्रिक ले आते हैं नीचे, तब मैं आपको समझा दूंगा। ट्रिक क्या है, किसको ना पता, किसको ना पता कि गुरु गोविंद सिंह जी हमेशा सत बोलते थे। ठीक है, किसको ना पता। तो पहला डैम क्या आ गया, नापता झाकरी, झाकरी ये बाद में आप याद कर लेना। किसको ना पता कि गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी हमेशा क्या बोलते थे, सत बोलते थे। तो ये हो गया सतलज नदी के किनारे, पहला डैम हो गया नापता झाकरी सतलज नदी के किनारे। ठीक है, अब दूसरा डैम क्या है, अब जो नहीं बोलेगा उसका बीपी हाई कर देंगे। तो बीपी से हो गया ब्यास और पोंग। ठीक है, और तीसरा ट्रिक आ रही है, अब पूरी आ जाएगी। जो नहीं बोलेगा उसका बीपी हाई कर देंगे और बकरा बनाकर सत बुलवाएंगे, यानी कि तीसरा डैम है भाखड़ा डैम। तीसरा डैम क्या है, भाखड़ा डैम, और फिर सत बुलवाएंगे यानी कि सतलज नदी के किनारे। छोटा सा, किसको ना पता कि गुरु गोविंद सिंह जी सत बोलते थे। तो नापता झाकरी, किसको ना पता, किसको ना पता, नापता झाकरी डैम या फिर गुरु गोविंद सागर डैम, कहां पर हमेशा सत बोलते थे, सतलज नदी के किनारे। जो नहीं बोलेगा उसका बीपी हाई कर देंगे, बीपी यानी ब्यास पौंग नदी के किनारे, ब्यास रिवर पे पौंग डैम। और क्या करेंगे, बकरा बनाकर सच बोलाएंगे, तो बकरा से हो जाएगा भाखड़ा डैम। ये हिमाचल में पड़ता है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। भाखड़ा डैम, भाखड़ा बकरा बना के क्या बुलवाएंगे, सत बुलवाएंगे। सत का मतलब क्या हो गया, सतलज हो गया। तो तीन स्टेट के डैम्स, तीन छोटी सी ट्रिक से याद हो गए। यहां पर आप रुक जाइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और बाकी का दूसरे लेक्चर में देख लीजिएगा। मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा, एडिट करके ब्रेक करके डालता रहूंगा। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा स्टेट, जो कि है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और बहुत अच्छे अच्छे डैम इसमें हैं। ये आ गया आपका उत्तराखंड चौथा, ये आ गया आपका उत्तराखंड। हमने जम्मू से शुरू किया था, उसके बाद हम पंजाब पे आए, फिर हम हिमाचल पे आए, और अब हम उत्तराखंड पे आ गए हैं, हमारे चौथे स्टेट पे आ गए हैं। तो उत्तराखंड में ये इंपॉर्टेंट डैम है, सबसे पहला टिहरी डैम, इंडिया का हाईएस्ट, 262.5 मीटर। दो रिवर्स मिलती हैं, भागीरथी और भिलंगना। ये क्वेश्चन कई बार आता है, किन दो रिवर्स के बाद बनता है, तो भागीरथी और भिलंगना पे बनता है, बना है टिहरी डैम। दूसरा है धौली गंगा डैम, जो धौली गंगा पे बना हुआ है। तीसरा है कोलागढ़ डैम, जो कि राम गंगा पे बना हुआ है। और चौथा है किसाऊ डैम, जो कि टॉस रिवर पर बना हुआ है। अब इसको याद करने की हमारी ट्रिक्स, ये देख रहे हो, ये टी कितना लंबा चौड़ा टी है, ये कितना ऊंचा टी है। तो क्योंकि ये हाईएस्ट है, इसलिए ऊंचा सा हमने इसमें एक टी बना दिया, और इसके आगे एक छोटे से बच्चे को बैठा दिया। टेरी डैम पे एक बदमाश बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो टेरी डैम इतना ऊंचा है, टिहरी डैम इतना ऊंचा है, इसकी ट्रिक है कि
कि गिरोगे तो सीधे भागीरथी में पहुंचोगे। भागीरथी क्या करती है, लोगों का उद्धार कर देती है। तो टेरी डैम इतना ऊंचा है कि गिरोगे तो सीधे कहां पहुंच जाओगे, भागीरथी में पहुंच जाओगे। और भागीरथी के साथ याद रखना भिलंगना भी है। और गिरने को यही गढ़वाल में कहते हैं धौल देना, धक्का देना यानी धौल देना। तो मतलब किसी ने धौला तो सीधे कहां पहुंच गए, धौला गंगा पहुंच गए। तो धौला डैम धौली गंगा डैम। टिहरी डैम इतना ऊंचा है टिहरी डैम कि गिरोगे तो सीधे कहां पहुंच जाओगे, भागीरथी में पहुंच जाओगे। ठीक है, और फिर क्या होगा कि काले हो जाओगे वहां गिरोगे तो, और सीधे राम जी के पास पहुंच जाओगे। तो कालागढ़ डैम राम गंगा पे, कालागढ़ डैम राम डंडा पे। और जब राम जी के पास पहुंच जाओगे राम जी के साथ कौन रहते हैं, किशन जी भी रहते हैं। तो किशन जी आपको क्या करेंगे, धौंस दिखाएंगे कि भाई क्यों कूदा वहां से। तो किसाऊ डैम और क्या आ जाएगा, किस पे धौंस का हमने कर दिया टोंस। टोंस और धौंस देखो थोड़े से मिलते हुए वर्ड है। तो सीधी सी कहानी टिहरी डैम की क्या है कि टिहरी डैम इतना ऊंचा है कि गिरोगे तो सीधे कहां पहुंच जाओगे, भागीरथी में पहुंच जाओगे। टिहरी डैम भागीरथी रिवर पे है। मतलब किसी ने धौला तो सीधे, धौला तो सीधे धौला गंगा, और वहां जाके क्या हो जाओगे, काले होके कहां पहुंच जाओगे, कोलागढ़ डैम राम जी के पास पहुंच जाओगे। अब जब वहां पहुंचोगे तो वहां कौन मिलेंगे तुम्हें, राम जी के साथ कृष्ण जी मिलेंगे। तो कृष्ण जी मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, तुम्हें धौंस दिखाएंगे। तो किसाऊ डैम डैम कौन सी रिवर पे है, टोंस रिवर पे है। इसको ट्रिक से याद करना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये नाम है, इनको आप किसी से अगर रिलेट करके याद करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं चौथी स्टेट की ओर, जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ले आए मैप उत्तर प्रदेश का, ये आ गया हमारा उत्तर प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, और ये आ गया हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के डैम्स देख लेते हैं और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लगा देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तीन इंपॉर्टेंट डैम है। पहला डैम है रिहंद डैम, दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई डैम जिसको राजघाट डैम भी कहते हैं। याद रखना इस चीज को कि रानी लक्ष्मीबाई डैम को, रानी लक्ष्मीबाई डैम को राजघाट डैम भी कहते हैं। इस चीज को याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पे आपको लिख के भी बोल दिया है। उसके बाद माता टीला डैम है जो कि बेतवा नदी पे है। तो इसके दो डैम जो हैं, रानी लक्ष्मीबाई डैम और माता टीला डैम, वो है बेतवा रिवर पर, और रिहंद डैम जो है वो है रिहंद रिवर पे। अब याद करने की छोटी सी ट्रिक, जानते हो इनको, ये है हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी, जिन्होंने हमारा जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसमें बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी थी। और हुआ क्या था, कहानी क्या थी कि इनके बेटे को अंग्रेजों ने, इनका जो बेटा जिसको ये बांध के चल लिए, ये इनका गोद लिया हुआ बेटा था, इनका अडॉप्टेड सन था। तो इन्होंने क्या किया था कि कहा था अंग्रेजों ने, कहा कि हम इसको गद्दी नहीं देंगे। तो इस बात को लेकर भी रानी लक्ष्मीबाई रिवोल्ट में कूद गई थी। तो हमारी ये यूपी झांसी की थी, झांसी यूपी में है। तो अब इसकी ट्रिक भी यहीं से ही बनेगी रानी लक्ष्मीबाई जी से, कि हिंद की माता लक्ष्मीबाई, हिंद की रानी लक्ष्मीबाई माता को अंग्रेजों ने क्या नहीं दिया, राजा नहीं बनाया के बेटे को। हिंद की माता रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को अंग्रेजों ने राजा नहीं बनाया। तो हिंद से आप ले सकते हो रिहंद, हिंद की माता से रिहंद, रिहंद रिवर पे, ठीक है। और माता रानी लक्ष्मीबाई, तो माता से माता टीला डैम, और दूसरा रानी लक्ष्मीबाई डैम, माता रानी लक्ष्मीबाई के बेटे, बेटे से क्या हो गया, बेतवा। तो ये कौन सी नदी के किनारे हैं, दोनों बेतवा रिवर के किनारे हैं। तो माता रानी लक्ष्मीबाई का बेटा,
माता टीला डैम, रानी लक्ष्मीबाई डैम और बेता से बेतवा। और कहाँ की माता थी वो? हिंद की माता, तो हिंद रिहंद। याद रहेगा, ये आसान है, ये वाला थोड़ा सा आसान था। इसके बाद अगला स्टेट आता है राजस्थान, ठीक है। इसमें बहुत सारे डैम हैं, इसमें 5-6 इंपॉर्टेंट डैम हैं। सबसे पहला है राणा प्रताप सागर डैम चंबल पे, जवाहर सागर डैम चंबल रिवर पे, जवाई डैम जवाई रिवर पे, मेजा डैम कोठारी रिवर पे या कोठरी रिवर पे, माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे और बिलासपुर डैम बानस रिवर पे, ठीक है। ये 6 डैम हैं और इम्पॉर्टेंट डैम हैं, और इनको याद करने के लिए आपको कोई बड़ी ट्रिक ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो छोटी हो ही नहीं सकती। 6 डैम हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो चंबल तो आपको याद ही होगा, चंबल का बीहड़ है जहां पर बहुत सारे डाकू भी घूमते थे। तो हम सबसे पहले महाराणा प्रताप और जवाहरलाल जी को चंबल से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है कि राणा प्रताप जी और जवाहर जी दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम के हैं, ध्यान रखना 200-300 साल का अंतर है, पर हमको याद करना है। तो दोनों कहां घूमते थे? चंबल में घूमते थे। पहले 2 डैम याद हो गए, राणा प्रताप जी और जवाहर जी। आ गए आपके राणा प्रताप जी भी आ गए और जवाहर जी भी आ गए। कहां घूमते थे? चंबल में घूमते थे। तो चंबल रिवर भी याद होगी हमें। अब जवाई कहते हैं दामाद को, दामाद यानी सन इन लॉ को, ठीक है। तो अब उनके दोस्त का जवाई, अब जवाई से याद रहेगा, जवाई मतलब जवाई रिवर, सेम है जवाई डैम जवाई रिवर। क्या कर रहा था? कोठरी में मौज कर रहा था, कोठरी से कोठारी और मौज से मेजा डैम, कोठारी और मेजा, ठीक है। ये दोस्त का जवाई, जवाई से जवाई डैम और कोठारी में कोठरी में मौज कर रहा था, कोठरी से मेजा कर रहा था, ठीक है। अब यहां पर एक ये इनके दोस्त का जवाई है जी, देखो बदमाश लग रहा है शक्ल से कि नहीं लग रहा है? ऐसी एक फिक्शियस फोटो लानी पड़ती है, सॉरी इनको भी कि इनको यूज कर रहे हैं। अब हुआ क्या, जब वो मौज कर रहा था तो वहां पर अपना माही आ गया। माही जानते हैं किसे कहते हैं? ये हमारे माही जी हैं। तो माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे है, माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे है। और उन्होंने क्या किया, वन में विलास, विलास यानी मौज की। तो ये रहा वन और ये रहा विलास, बिलासपुर डैम बानस नदी पे है, ठीक है। याद करने की ट्रिक बता दी आपको मैंने कि राणा प्रताप जी, ये हमारे राणा प्रताप जी और ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी चंबल में घूम रहे थे। तो राणा प्रताप और जवाहर सागर चंबल रिवर पे है, उनके दोस्त का जमाई, जमाई डैम जमाई रिवर, क्या कर रहा था? कोठरी में मौज कर रहा था, कोठरी रिवर और मेजा डैम, वहां पर कौन आ गया? अपना माही भी आ गया, माही है। तो माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे, और उन्होंने क्या किया, वन में बिलास किया। तो बानस नदी पे बिलासपुर डैम है। होप करता हूं ट्रिक एक बार या दो बार आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में कहानी बन जाती है, और फोटो हमेशा याद रहती है, इसलिए मैंने इसमें फोटो डालने की कोशिश की है। अब तक आपके 5 स्टेट हो गए हैं, बढ़ते हैं 6 स्टेट पे, जो है मध्य प्रदेश। मध्य किसे कहते हैं? सेंटर का, जो ना इधर ना उधर। इसकी ट्रिक भी कुछ ऐसे ही आएगी। ये आ गया आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट डैम है, पहला है गांधी सागर डैम और इंदिरा सागर डैम। तो आपने इससे पहले वाले में देखा होगा राजस्थान में कौन घूम रहे थे, चंबल में नेहरू जी और महाराणा प्रताप जी घूम रहे थे। तो गांधी जी ने कहा हमें भी तो चंबल में घूमना है,
तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश से होकर भी जाती है, जहां पर गांधी सागर डैम बनाया गया है। ठीक है, अब इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक। आपको याद होगा, कई लोग कॉमेडी में कहते हैं असली बात नहीं है, इसको असली मत लीजिएगा, कि जब इंदिरा गांधी अपनी सोनिया जी प्रोनाउंसिएशन करती हैं तो नर मादा को नर मादा कह देती हैं, नर मादा, स्पेलिंग कुछ ऐसी है NARMADA। तो ये पूरा मजोक है, इसको कोई भी आदमी सीरियसली ना ले। तो लोग कहते हैं कि जब सोनिया गांधी हिंदी में भाषण देती हैं तो बोलती हैं नर मादा रिवर। ठीक है, तो सोनिया गांधी जी की सास इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा सागर डैम किस पे है? नर मादा रिवर पे। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी याद रखना, नर मादा रिवर, यानी कि नर्मदा रिवर पे। और गांधी जी भी चंबल में घूमने गए थे, तो अपना गांधी सागर डैम किस पे है? चंबल रिवर पे। केवल दो ही यहां पर इंपॉर्टेंट डैम्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात इंपॉर्टेंट है, अच्छे डैम्स हैं इसमें भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आ गया आपका गुजरात, ठीक है, ये रहा गुजरात, ये से पहले वाला मध्य प्रदेश जहां नर्मदा और गांधी जी चंबल में घूम रहे थे। ठीक है, अब जैसे आपको मैं अभी बोलूं कि जम्मू कश्मीर, तो आपको याद आ जाएगा उरी, पुलवामा अटैक, उरी डैम, ठीक है, तो उरी में टेररिस्ट को झिलाया, झेलम नदी पे उरी है, उसके बाद बॉस DK, BOSS DK, दुलस्ती सलाल, तो आपको याद आ जाएगा। चीजें याद करने के लिए नेमोनिक टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। यहां पे हम अब गुजरात के डैम पे आ जाते हैं फटाफट से, नहीं तो टॉपिक लंबा हो जाता है। तो गुजरात में तीन डैम है, पहला है सरदार सरोवर डैम, इसमें सॉरी स्पेलिंग शायद गलत होगी, मैं देखा आधा ओवर हो गया, पर ये सरदार सरोवर है ये, ठीक है, ये है सरोवर SARORO VAR, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, इसको सही कर देना। तो गुजरात में है पहले सरदार सरोवर डैम, जो नर्मदा, फिर वही नर्मदा मध्य प्रदेश में सोनिया गांधी के साथ इंदिरा गांधी याद आ जाएगा, ठीक है, एक सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर पे है, दूसरा काकरापार डैम है जो तापी रिवर पे है, और तीसरा उकाई डैम है जो तापी नदी पे है। उकाई किसे कहते हैं? उल्टी करने को भी उकाई कहते हैं, उकाई आ गई मेरे को, उल्टी आ गई। अब इसकी ट्रिक लगाते हैं। तो ट्रिक क्या है कि सरदार पटेल जो है वो नर्मदा नदी में, सरदार पटेल आपको मान सबको मालूम है गुजरात के ही बॉर्न थे, और इंडिया को एक करने वाले जो सबसे बड़ी पावर थी वो हमारे सरदार पटेल थे, जिनका हमें हमेशा आदर करना चाहिए। तो सरदार पटेल नर्मदा में नहाने गए, तो सरदार पटेल कहां गए? नर्मदा में नहाने गए। तो सरदार सरोवर कहां पे आ गया? नर्मदा पे आ गया आपका। ये यहां पे इनका स्टैचू बनाया गया, वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैचू। अब जब वो बाहर निकले तो उनको एक चीज बहुत पसंद आई जाती है, जो गुजराती फूड है खाकरा, उन्होंने खाकरा खाया, उसमें कुछ मिला हुआ था, उनको उकाई यानी कि उल्टी आ गई, और उनका शरीर क्या हुआ? तपने लगा। तो खाकरा और उकाई आ गई से तपने लगा, यानी तापी रिवर। ये देखिए आप, ये जेठालाल जो आपने देखा होगा गुजरात का, याद रहेगा आपको, जेठालाल खाकरा बहुत खाता है। तो काकरापार डैम और उकाई आ गई और उनका शरीर क्या हुआ? तपने लगा। काकरापार डैम और उकाई डैम कौन से रिवर पे है? आपका तापी रिवर पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला है झारखंड, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है। ये आगे झारखंड, छोटा सा ग्रीन कलर का अपना प्यारा सा झारखंड, ठीक है। इसमें एक तो है मैथंडा डैम, जो कि बाराकर रिवर पे है, जो दामोदर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। तीसरी है, दूसरा है तिलैया डैम, ये भी बाराकर पे ही है। और चौथा है पंचेट डैम, जो कि दामोदर रिवर पे है, मेन दामोदर रिवर पे है। अब इन तीनों को याद करना है, मैथन, तिलैया और पंचेट को। तो ट्रिक लगाते हैं,
ट्रिक क्या है कि हमारे ये जो मिथुन दा है वो कहां घुसे हुए थे? मिथुन दा को झाड़ी में छुपी हुई तैया ने काट दिया, ठीक है। मिथुन दा को किसने काटा? ततैया ने काटा। मिथुन दा को ततैया ने काटा, कहां पर छुपी हुई थी? झाड़ी में छुपी हुई थी। और ततैया कैसी थी? बड़ी ततैया थी, छोटी नहीं थी, बड़ी ततैया थी। तो ये क्या हो गया? ततैया किसे कहते हैं? अभी फोटो में दिखा दूंगा आपको। पीले रंग की होती है, बहुत जोर से काटती है और सूज जाते हैं, ठीक है। मिथुन दा को झाड़ी में छुपी बड़ी सी ततैया ने काटा, तो मिथुन से मैथुन, ततैया से तलैया और झाड़ी से झारखंड, बड़ी से बराकर ने काटा। अब मिथुन दा भी हल्के फुल्के आदमी तो है नहीं, तो उन्होंने उसको क्या किया? पंच का दम दिखाया, पंच बॉक्सिंग मारी, पंच का दम दिखाया। तो पंचेत दामोदर से होता है। और जहां तक ततैया का सवाल है तो ये इसको कहते हैं ततैया। पीले कलर की होती है और बहुत जोर से काटती है। तो मिथुन दा को झाड़ी में छुपी हुई बड़ी सी ततैया ने काटा। मैथुन डैम, तलैया डैम, झारखंड में बराकर रिवर, बड़ी सी ततैया ने काटा। और उन्होंने अपने पंच का दम दिखाया, यानी पंचेत दम किस पे? दामोदर रिवर पे, दम से दामोदर रिवर। आगे बढ़ते हैं, अगला उड़ीसा। उड़ीसा में एक ही डैम है जो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। ये उड़ीसा आ गया नीचे आपका। हीराकुद डैम, ये लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है, ठीक है। और ये आपका महानदी पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है। अब आ जाइए इसके ट्रिक पे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि ये एक कबूतर है और ये सबसे बड़ा हीरा लेकर, लंबा और सबसे लंबा हीरा है। देखो इस हीरे की हाइट देखो कितनी दी हुई है, 4.8 किलोमीटर। और सबसे महान है, महान भी है और सबसे लंबा भी है। ये कबूतर उड़ गया, तो उड़ने से आ गया आपका उड़ीसा, ठीक है। लंबे से आ गया आपका लॉन्गेस्ट अर्दन डैम। हीरा से आ गया आपका हीराकुद डैम। और महान से आ गई आपकी महानदी। लंबे से इंडिया का लॉन्गेस्ट अर्दन डैम, महान से महानदी, हीरा से हीराकुद डैम और उड़ गया से उड़ीसा। तो ट्रिक क्या है? कबूतर सबसे लंबा और महान हीरा लेकर उड़ गया, याद आएगा? तीनों फोटो हैं दिमाग में बस जाएंगे। हीरा इतना लंबा कैसे हो सकता है जो 4.8 किलोमीटर लंबा हीरा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पर याद करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। चौथा स्टेट आता है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र को तो आते ही, महाराष्ट्र मतलब बॉलीवुड, इस महाराष्ट्र को पूरे बॉलीवुड से ही हम जोड़ देंगे। जितनी भी मूवीज हैं, मूवी के कैरेक्टर हैं, इनसे हम बॉलीवुड को जोड़ देंगे, अपने महाराष्ट्र को जोड़ देंगे। शुरू करें। सबसे पहले इसमें तीन डैम है जो इंपॉर्टेंट डैम है। एक है कोयना डैम जो कोयना रिवर पे है, दूसरा है जैकवाड़ी डैम जो गोदावरी रिवर पे है, तीसरा है उजनी डैम जो भीमा रिवर पे है जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब मैंने कहा जितने करेक्टर जोड़ेंगे सर बॉलीवुड के जोड़ेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम ले आते हैं कोयना मित्रा। कोयना डैम कोयना रिवर पे, कोयना मित्रा जानते हैं ना कौन है? बॉलीवुड की हीरोइन है। और दूसरी है जया बच्चन के गोद में अभिषेक बच्चन, जयकवाड़ी डैम की गोद में गोदावरी। ये आ गए आपकी, ये है आपकी कौन? कोयना डैम, कोयना रिवर और जया की गोद में अभिषेक बच्चन। तो जया से जयकवाड़ी और गोद से गोदावरी रिवर। अब तीसरा डैम उज्जैनी, तो उज्जैनी में आप क्या करना,
यू को हटा देना और जानी को केवल याद रख लो, यू को हटा दो थोड़ा सा याद करने के लिए। तो इसकी ट्रिक क्या है, कृष्ण और भीम ने अपने जानी दुश्मन को मारा। जानते हो ना कृष्ण और भीम कौन थे, ये हमारे कृष्ण हैं और ये हमारे भीम हैं, ये हमारे कृष्ण जी हैं और ये हमारे भीम जी हैं। ये वो वाला सीन है जब उन्होंने दुर्योधन को महाभारत में मारा था, अगर आपने महाभारत सीरियल देखा है तो भीम और कृष्ण ने अपने जानी दुश्मन को मारा। ठीक है, पूरे का पूरा ये हमने याद किया बॉलीवुड से। कोयना डैम कोयना रिवर कोयना मित्रा, जया कवाड़ी डैम गोदावरी रिवर, जया की गोद में अभिषेक बच्चन, जया की गोद में अभिषेक बच्चन, जया कवाड़ी गोद। और उज्जैनी यानी जानी दुश्मन कौन थे, किसके, भीम और कृष्ण के, जिसको उन्होंने मारा था। आगे बढ़ जाए, अगला प्रदेश आता है हमारा आंध्र प्रदेश, अंधा, आंध्र मतलब अंधा भी कहते हैं लोग। अब इसमें दो डैम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एक है श्री सैलम डैम जो कृष्णा रिवर पे है और दूसरा सोमशिला डैम जो कि पेन्नार रिवर पे है। अब आपको क्या पता है कि जो हम या आप या जो भी लोग हैं जो दारू पीते हैं उसको देवता लोग सोम कहते थे, सोम रस पी रहे हैं, हम सोम रस का पान कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता था। अब मुझे पता नहीं सच है कि नहीं है, पर दारू मदिरा सोमरस कुछ ये इसके पर्यायवाची हैं। तो ट्रिक क्या है, श्री कृष्ण अंधे नहीं थे, श्री कृष्ण श्री सैलम डैम कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश, श्री कृष्ण अंधे नहीं थे। ठीक है, क्यों, उन्होंने क्या किया, एक बच्चा था वो पेन लेकर दारू पी रहा था, पेन हाथ में था, ऐसा एक ऐसा पेन हाथ में था और दारू पी रहा था, तो उन्होंने क्या किया, पेन लेकर दारू या फिर सोम पीते हुए बच्चे को सजा दी, सोम पी रहा था पेन लेकर, ये सोम पी रहा था पेन लेकर, तो सोमशिला डैम पेन्नार रिवर। ठीक है, और ये एक छोटी सी फोटो कि श्री कृष्ण जी दिख रहे हैं अंधे नहीं है, श्री सैलम डैम कृष्णा रिवर अंधे आंध्र प्रदेश, और एक बच्चा क्या कर रहा था, पेन लेके, ये हाथ में देखो पेन भी है और दारू भी है सोम भी है, तो पेन लेकर सोम पी रहा था, तो पेन्नार रिवर सोमशिला डैम। होप करता हूं थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स याद हो रही होंगी, इनको लिख लेना कहीं पे, प्रदेश के साथ आपको जो स्टेट है उसके साथ याद हो जाएगा, प्रॉमिस करता हूं दो तीन बार पढ़ोगे तो 100% याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आंध्र प्रदेश से जो स्टेट टूटा हुआ था तेलंगाना, तेल, तेलंगाना में देखो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है जिससे हम नेमोनिक बनाएंगे अपना, तेल, टी ई एल, तेलंगाना में तेल आ रहे हैं, यहीं से हमारे नेमोनिक्स बनेंगे। ठीक है, तो इसमें दो डैम है जो इंपॉर्टेंट डैम है, पहला है आपका पोचमपाद डैम जो कि गोदावरी रिवर पे है, दूसरा है नागार्जुन डैम जो इंडिया का लार्जेस्ट मैसनरी डैम है, ईंट पत्थर लेके बनाया हुआ है, वो कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, अब इस डैम को याद करने की ट्रिक, श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा, तो श्री कृष्ण से कृष्णा रिवर बन गई है आपकी, श्री कृष्ण से क्या बन गई, कृष्णा रिवर बन गई, और अर्जुन से बन गया नागार्जुन सागर डैम। अब क्या देखा श्री कृष्ण और अर्जुन ने कि गोदावरी, अब आगे गोदावरी रिवर की कहानी, ने तेल गिरा दिया, तेलंगाना स्टेट महल में तेल गिरा दिया, तो श्री राम जी ने उससे क्या लगवाया, पोंछा लगवाया, तो श्री राम सागर डैम कहो चाहे पोचम पाद डैम कहो एक ही बात है, तो श्री राम ने पोंछा, तो श्री राम सागर डैम या फिर
पोचमपाक डैम, क्यों? क्योंकि गोदावरी ने गिराया था तेल। गोदावरी रिवर कहां पर है? तेलंगाना स्टेट में है आपके। ये कुछ ऐसी कहानियां बनानी पड़ती हैं, फर्जी कहानियां याद करने के लिए। अगला स्टेट आता है तमिलनाडु। देखो नीचे पहुंचते जा रहे हैं, अपना आ जाओ भाई तमिलनाडु, ये आए हम तमिलनाडु। इसके बाद एक दो स्टेट बचेंगे बस, केवल आपकी खत्म होने वाला है आपका, ठीक है। तो दो हैं इसमें, एक कालिंदी डैम है, एक मेटूर डैम है। और कौन सी रिवर पे हैं दोनों के दोनों? कावेरी रिवर पे हैं। कालिंदी भी कावेरी पे है और मेटूर भी कावेरी पे है। तो आप में से जो भी जो जो स्मार्ट बच्चे हैं, पैसे वाले बच्चे हैं, उन्होंने पक्का ये बाइक जरूर चलाई होगी, केटीएम चलाई हुई है। केटीएम ब्रांड सुना हुआ है, केटीएम। इसके आगे एक के और लगा दो, रिवाज है ना आजकल किरण वाला, तो केकेटीएम। कालिंदी, कावेरी, तमिलनाडु, मेट्रोर, याद हो गए। कालिंदी, कावेरी, तमिलनाडु, मेट्रोर, और किससे याद हुए? इस बाइक से जिसका नाम है केटीएम। आसान। अगले स्टेट की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला स्टेट है केरला। केरला भी ले आते हैं नीचे, ये आया इस साइड में आ गया, ये केरला, ये इधर आ गया केरला आपका। केरला में केला से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका केरला में उड़की डैम, ठीक है, जो बिगेस्ट आर्च डैम है। आर्च डैम क्या होता है? कुछ इस टाइप का डैम होता है, मैं फोटो शायद बना ना पाऊँ, इस टाइप का डैम होता है, आर्च होती है, इधर से पानी आता है, ठीक है। तो बिगेस्ट आर्च डैम जो है वो इडुकी डैम है, जो पेरियार रिवर पे है। और दूसरा मुल्ला पेरियार भी जो है वो भी किस पे है? पेरियार रिवर पे है। तो आप बेसिकली पेरियार रिवर को याद रखोगे तो आपको मुल्ला पेरियार तो सीधे याद हो जाएगा, और उड़ुकी मैं आपको याद करा दूंगा। तीसरा है बानासुर सागर डैम, जो कि है काबिनी नदी के किनारे। आपको पता है बानासुर कौन था? नहीं पता, ये था बानासुर। सन ऑफ लॉर्ड शिवा, ये बानासुर था, पर ये थोड़ा बदमाश हो गया था तो इसको बाद में मारना पड़ा था। तो इसलिए हमने कहा कि कमीने बानासुर ने केला खाया, कमीने से बन गया आपका क्या? काबिनी। सॉरी हाँ, थोड़ा वैसा वर्ड है पर सॉरी बोल दिया, याद करने के लिए चलता है। अगर हमारा मार्क्स कोई ट्रिक याद करके बनता है तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। कमीने बाणासुर ने काबिनी नदी पे बाणासुर क्या खाया? केला खाया, केला से केरला। और क्या किया? परी के साथ नदी में उड़की, उड़की महाराष्ट्र साइड में कहते हैं उड़की लगाना, यानी कूद लगाना, ठीक है। परी के साथ नदी में क्या लगाई? उड़की लगाई। तो परी से हो जाएगा पेरियार और उड़की से इडुकी डैम, ठीक है। और पेरियार के किनारे मुल्ला पेरियार होगा, ये तो आप सीधे मार सकते हैं, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला आता है आपका कर्नाटका, ठीक है, ये आ गया आपका कर्नाटका। इसके बाद आपके डैम्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद यहां पर तीन डैम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक है कृष्णा सागर डैम, जो कि कावेरी रिवर पे है। दूसरा है तुंगभद्रा डैम, जो कि तुंगभद्रा रिवर पे है। तीसरा है अलमाटी डैम, जो कि कृष्णा रिवर पे है। तो कृष्णा यानी कृष्ण भगवान को लाना ही पड़ेगा, अलमाटी यानी माटी आ गई, मिट्टी आ गई, जोड़ेंगे। ऊपर पहले वाले में भी कृष्णा राजा दिख ही रहा है मेरे को, तो कृष्ण भगवान जी यहां पर भी है ही है, ठीक है। यहां पर एक कावेरी भी है, तो चलो ट्रिक बनाए कोई एक अच्छी सी इसके लिए, ठीक है। अब क्या है, राजा कृष्ण क्या करते हैं कावेरी और कृष्णा के साथ? राजा कृष्ण ये जो राजा कृष्ण है, पहला डैम कावेरी और कृष्णा के साथ मिट्टी में, किसके साथ खेलते हैं? कृष्णा के साथ मिट्टी में। तो कृष्णा से हो गया अलमाटी डैम, राजा कृष्ण कावेरी, तो राजा कृष्ण
कृष्ण राजा सागर डैम कहाँ हो गया, कावेरी नदी के किनारे खेलते हैं, खेलने का नाटक करते हैं, तो नाटक से वो क्या बन जाएगा आपका, कर्नाटक बन जाएगा। तो राजा कृष्ण क्या करते हैं, कावेरी और कृष्णा के साथ मट्टी में खेलने का नाटक करते हैं। तो ये हो गया आपका पहला कृष्ण राजा सागर डैम, कौन सी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, कृष्ण के साथ मिट्टी, कृष्णा रिवर, अलमाटी डैम, नाटक करते हैं कर्नाटक, और उनके कपड़े भद्दे हो जाते हैं, भद्दे से भद्रा, तुंग भद्रा, ठीक है, हो गया याद। तो राजा कृष्ण क्या करते हैं, कावेरी और कृष्णा, कृष्णा और कावेरी मत करना, उल्टा है यहां पे, राजा कृष्ण कृष्णा और कावेरी के साथ नहीं, राजा कृष्ण कावेरी और कृष्णा के साथ मिट्टी में खेलते हैं। तो राजा कृष्ण कावेरी के साथ और कृष्णा के साथ मिट्टी में खेलने कहते हैं, क्या करते हैं, नाटक करते हैं, और कपड़े क्या हो जाते हैं, तुंगभद्रा भद्दे हो जाते हैं, नाटक यानी कर्नाटक हो जाते हैं। तो यहां पर मेरे को लगता है ये स्लाइडें खत्म होती हैं और हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद करना हमेशा, रटना हमेशा कंफ्यूजन देता है, तो कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना, कुछ ना कुछ न्यूमोनिक टेक्निक अपने आप बना लेना, थोड़ी बहुत मैंने बनाई है जितनी मैं बना पाया, और आप इसमें अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कोई अच्छा इम्प्रूवमेंट हो तो पक्का इम्प्रूवमेंट करो और इसको कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि मैं उस कमेंट को पिन कर दूं कि हाँ इस बच्चे ने, मैं नाम के साथ लिख दूंगा, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं ये बोलूं आपने लिख के भी दिया और मैं बोलूं कि ये मेरा है, नहीं, मैं आपके नाम के साथ लिख दूंगा कि इस बच्चे ने मुझको ये चीज बताई जो मेरे को पसंद आई। आपका कोई भी कमेंट आएगा उसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगा। होप करता हूं डैम्स ऑफ इंडिया आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ हमने क्या कर दिया है, अब आपका जो पूरा रिवर सिस्टम है, चाहे वो इंडस हो, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, वेस्टर्न फ्लोइंग हो, ईस्टर्न फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो, या फिर डैम्स ऑफ इंडिया हो, ये हमने कवर कर दिया है। इन सबको मैं आपके इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको किसी रिवर सिस्टम में डाउट हो तो आप देख लीजिएगा। तब तक आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और अगर कुछ गलत लगे जो मैंने आपको बताया हो तो प्लीज़ 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 सबके भले के लिए इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगले टॉपिक तक के लिए थैंक यू वेरी मच।